कर दी भैया आज फिर से तैयारी निकलने की। डलवा लिया पानी, डलवा लिया गर्म पानी डलवा के। और ये इस रोगी के साथ खेलता रहता है। क्या कह रहा है वो? कह रहा है पता नहीं क्या कह रहा है वो। रोई रोई कर रहा है, उसको अपने घर जा रहा है। उसको जाने दो ना अपने घर। वो रोई रोई कर रहा है नी, उसको घर जाने। यही है बेटे उसका घर, यही है इसका घर, दूर है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम भैया आप सभी को। अब ये डॉगी चुप नहीं होएगा, ये भूखता रहेगा। हनी ने छेड़ दिया इसको। तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है आज भी। दो दिन स्नोफॉल वाला मौसम था, दो दिन अब धूप वाला मौसम है, तो सही मज़े आ रहे हैं। आज हम जा रहे हैं, थंबनेल से देख के आपको पता चल ही गया होगा हम कहाँ गए। आज हम अंजनी महादेव के मंदिर जा रहे हैं, जो सोलांग वैली से 4 किलोमीटर आगे है। वहाँ पे घोड़ों पे जाना पड़ता है, तो जैसा भी होता है हम आपको दिखाते हैं। जो वहाँ की मान्यता है ना, जो बोलते हैं कि चमत्कार ही होता है यहाँ पे, वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत अच्छा मंदिर है, तो चलिए आज आपको भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं, है ना हनी? गुड मॉर्निंग बोलो सबको, राम राम बोलो। और ये पैसे क्यों ले रहे हो आप बताओ, सबको क्यों ले रहे हो पैसे? इसको किचन का सामान लेना है, वो जो टॉयज आते हैं ना, किचन सेट आता है, डॉक्टर सेट, किचन सेट, पता नहीं कौन से सेट इकट्ठे कर रखे हैं इसने, तो इसको किचन का सेट लेना है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, खाना वाना खा लिया है यहीं पे, चाय अपनी खुद की बनाई, मैं रोज़ अपने आप खुद चाय बना रही, क्योंकि यार पसंद ही नहीं आ रही। कहीं पे मीठा तेज़ होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे चाय पत्ती तेज़ है तो कहीं पे कम है। तो चाय मैं अपनी बनाती हूँ, और फिर साथ में परांठे वगैरह जो मंगाना होता है वो रूम में ही मंगा लेता है। खाना खा लिया है, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और आपको दर्शन करवाते हैं अंजनी महादेव के। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चले चलो आपको भी लेके चलते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या ले लिया आपने दिखाओ, किसके लिए बनाओगे इसमें खाना? पापा के लिए, मम्मा के लिए। निकलने से पहले माना नहीं भाई, मैं कहा अगर नहीं दिलवाया ना तो पूरा टाइम रोता रहेगा। माल रोड पे आए पहले, अब दोबारा होटल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ गाड़ी लगने की जगह नहीं है। हनी सो गया? नहीं, मेरे को लगा हनी सो गया। हनी आप क्या कर रहे हो? इतनी देर से भाई पार्किंग की जगह ढूंढ रहे थे, गाड़ी पार्क हो गई। अब चलते हैं अंजनी महादेव के मंदिर में, ऊपर पैदल मजे करते हुए चलेंगे क्योंकि स्नो है ना। तो वैसे तो यहाँ से वो देखो स्नो, गाड़ी स्नो दिखाती हूँ, मेरे को स्नो दिखाओ। अब स्नो में पार्क करो, ब्लैक आइस बन चुके हैं। तो भाई यहाँ पे स्नो नहीं जा रही क्या? बीच में लगा के छोड़ दो गाड़ी में। तो भाई यहाँ पे देखो स्नो क्या हाल हो रही है पार्किंग में। तो घोड़े भी जाते हैं यहाँ से, और वो जो स्नो मोटर बाइक्स होते हैं, ओ बेटे लगा दिया है। तो मोटर बाइक्स भी जाती है, पर हमने सोचा एंजॉय करते हुए जाएंगे, पैदल ज्यादा दूर नहीं है तो हम जाएंगे पैदल, और बाकी देखते हैं शायद घोड़े भी कर ले, है ना। चलो चलते हैं। हनी के लिए गॉगल्स, वो क्या कह रही थी मैं, ग्लव्स ले लो भाई पक्का, ठीक है चलो हनी ले लिए भाई। आज कीचड़ ज्यादा हो रहा है क्योंकि दो दिन से धूप निकली हुई ना, तो जो बर्फ ना वो पिघल के आ रही है, तो हमने ले लिए शूज। और मैंने भी हनी के नहीं है, हनी के वाटर प्रूफ शूज है, तो हनी के लेने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना हनी। और ये देखते इसने मना भी कर दिया, मैं नहीं पहनूंगा, ये मेरे भी रख दो, आगे ही रख दो उठा के। अब चलते हैं ऊपर, अगर हम घोड़ों पे जाते तो नहीं भी लेते, पर पैदल जा रहे तो सोचा नहीं लेते, वरना शूज खराब होंगे। चलो हनी देखो भाई यहाँ से पैदल का रास्ता है, यहाँ अंजनी महादेव का, और ऊपर तक गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से आती थी, मैंने पीछे गाड़ी खड़ी कर दी, पैदल जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे जो घोड़े वाले हैं ये बहुत ज़्यादा चार्जेस मांगते हैं, 400 रुपये 1500 रुपये पर पर्सन। क्या हो गया, आ जाओ उन्हें हनी, मजा आ रहा है बता, इसको यहाँ कीचड़ से चलना है। पानी है बेटा, जूतों में घुस जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल जो आपको दिख रहा है, यहाँ इस खाई के अंदर और पहाड़ के पीछे अभी मंदिर। थक गए भी, बहुत ज्यादा थक गए, पीछे देखो इतनी ज्यादा बर्फ है। हनी और हनी के पापा आगे जा चुके हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं, पीछे का नजारा देखो। अब चलते हैं, अभी तो आधे रास्ते आए, आधा रास्ता हो गया था और बहुत ज़्यादा थक गए। मैं हनी के पापा को दिखाती हूँ कहाँ जा चुके हैं। हनी ना घोड़े पे बैठने के लिए भी मना कर रहा है, उसको डर लग रहा है घोड़े पे बैठने से, कहीं गिर ना जाए, और पैदल भी नहीं चल रहा है, उसके पापा को उसको गोदी लेके चलना पड़ रहा है। मैं दिखाती हूँ, देखो वो जा रहे, कंधे कभी गोदी में ले रहे हैं, कभी कंधे में बिठा रहे हैं। वहाँ जा चुके हैं, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, तो चलते हैं, थक गई थी मैं। देखो भाई हम कितनी दूर से, मतलब कहाँ फंसा वो
सड़क पर ही जाएगा ये गया। तो हमें दिख भी नहीं रहा कि हम कहाँ से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, 2 किलोमीटर तो हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, और ये बैठे हनी के पापा और हनी। हनी को तो मजा आ रहा है, हनी को तो पैदल चलना ही नहीं है ना, चलना है पक्का। ठीक है पैदल चलेंगे, चलो थोड़ी देर। हमें जाना का है, हमें अभी दिख भी नहीं रहा हमें कहाँ जाना है। भगवान हमारी परीक्षा ले हुआ है, बोला है मारा छोरा घोड़ा में बैठ कर राजी नहीं होगा, पैदल है चलो चले अब चलो चलो। हनी शिव जी भगवान की बोलो जय जय ओम नमः शिवाय। चलो भी चलते हैं। मैं पैदल नहीं चढ़ा गया था तो अभी हमने ये 4x4 जो होती है ना स्नो मोटर बाइक ये ले लिए हैं और अभी इन पे जाएंगे। घोड़ों पे हनी नहीं बैठ रहा तो अभी इस पे जाएंगे। हनी हेलो करो, हनी दिख नहीं रहा। हनी हेलो करो, हेलो। अभी भी काफी दूर है भाई, उतर लिए अभी इससे मोटर बाइक से 4x4 में थे जो, अब जा रहे हैं पैदल, देखते कहाँ तक जाया जाएगा। चलो हनी, ब्रिज से बना रखे है, नदी है वही है वहां से देखो ऐसे। चलो चलो चढ़ो हनी। हाँ बोलो हनी। अच्छा काफी स्लिपरी है ये, कैलाश दरबार है। हम इस मंदिर में सभी दर्शन करके आए हैं भाई। ये शिव जी भगवान का कैलाश दरबार है जो मैंने दिखाया था, और जो शिवलिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है। वो देखो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, वो जो बंदे खड़े हैं ना वहाँ पे, वो वहाँ पे शिवलिंग है। और ऊपर जो आप झरना देख रहे हो ना, इस झरने में से सीधा पानी शिवलिंग पे गिरता है, सीधा शिवलिंग पे गिरता है ये पानी। बहुत मान्यता है भाई यहाँ की, और शिवलिंग के ऊपर कभी भी बर्फ़ नहीं जमती, और ये जो झरना गिर रहा है ना ये भी कभी नहीं जमता चाहे कितनी भी ठंड हो, वरना पानी जम जाता है बर्फ़ बन जाती, पर यहाँ हमेशा चाहे एक बूंद गिरे शिवलिंग पे हर टाइम पानी गिरता रहता है। यहाँ पे हम यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हनी है, और यहाँ पे काफ़ी अभी एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, स्लिप हो के गिर रहे हैं बंदे तो चोट लग जाएगी। तो हमने अभी यहीं से हाथ जोड़ लिया, भगवान जी यहीं से आशीर्वाद दे देंगे। ये हनी और उन लेडी को चोट लग गई है थोड़ी ज़्यादा, वो गिर गए हैं स्लिप होके, बस ज्यादा ना लगे करते हैं, बस ज्यादा ना लगे। एक बार फोन साइड में रख के अब नीचे धीरे धीरे यहाँ से उतर ले, काफी डेंजर है यहाँ से, ये बैक को ज्यादा चोट लगी है, बैक पे लगी बैक से स्लिप हो गई। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ पे ये एक्टिविटीज भी होती है, अभी तो शायद बंदा कोई भी नहीं कर रहा, स्केटिंग वगैरह स्केटिंग यही करवा रहे हैं पता नहीं उनके साथ। चलो आराम आराम से उतरते हैं, मैं फोन रख देती हूँ। भाई निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि टेम्परेचर माइनस में, हाथ ठहर रहे हैं, और देखो हनी कैसे कर रहा है, क्या हुआ बच्चा, ठंडी लग रही है, चल रहे हैं भाई यहाँ से, हम निकल रहे हैं अब क्योंकि वो यहाँ पे बार बार स्लिप होके भी गिर रहे हैं लोग, तो डर ही लग रहा है, यहाँ कोई फायदा नहीं है रुकने का, काफी जैसे जैसे शाम हो रही ठंड बढ़ती जा रही है, काफी हाइट पे है ना, और साथ में ये नदी भी बह रही है तो इसकी वजह से भी ज्यादा ठंड हो रही है। तो नीचे मिलते हैं आपसे, अब रास्ते में नहीं फोन निकालेंगे बिल्कुल भी। चलो जा रहा है, वो दिखा रहा है स्नोमैन, देखो देख लिया बच्चे, सबने देख लिया स्नोमैन। हाँ क्या बोल रहे थे नी, हम पहुंच गए हम बर्फ में, आगे दिखा बता दो बच्चे सबको, हम अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, अपने रूम पे ओके मजा आया आपको, बहुत
बहुत मजा आया। ठीक है, गिर गया थे आप? ओके है? वो लड़की नहीं गिरी थी। हाँ वो बहुत जबरदस्त तरीके, उसने रीढ़ की हड्डी में लगी, उसे चला नहीं जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था। वो आगे जाके वो बैठा रहे थे ना उसको, तो उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो ये इसका एक बार पैर स्लिप हुआ जो मेरा हाथ, तो कहता मम्मा मैं तो बच गया। अच्छा तो ये था ना, वो दीदी गिर गई और मैं बच गया, मैं तो बच गया मम्मा। अरे वो कैसे बोल रहा था, कितना खतरनाक रास्ता है यहाँ से चलो। आप क्या बोल रहे थे बताओ? मम्मा ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है, चलो यहाँ से। चलो भी चलते अब यहाँ से। फिर गिरोगे आप? अच्छा हम यही गाड़ी जहाँ पार्क की थी ना भाई, वहीं पे पहले हम पी रहे हैं चाय। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, चाय बनवा ली है और यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय। हनी अपना बार बार बोल रहे रूम पे चलो, क्योंकि इसको अपना किचन सेट ओपन करना है। यहाँ पे ओपन किया तो गिर जाएंगी सारी चीज़ें, तो हम यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं चाय। और इसके हनी के पापा अभी चेयर से गिर गए थे, मैं शूट करना भूल गई वरना मैं शूट कर लेती। चाय पी लेते क्या? पैराग्लाइडिंग हो रही है, चाय भी चलते हैं यहाँ से। हमारे यहाँ तब यहाँ की इतनी भीड़ थी, अब देखो भाई धीरे धीरे करके सारी गाड़ियाँ जा रही है। ये देख सामने है, नेक्स्ट सोन पे क्या लिखा है, केरला टू कश्मीर। केरला से हैं वे बंदे और कश्मीर की साइड जाएंगे नेक्स्ट सोन में। ये पूरा मैप बनवा रखा है इन्हें गाड़ी के ऊपर। तो देखो अब तो धीरे धीरे पार्किंग खाली हो रही है। चलो अभी चलते फिर नीचे जाके मिलते हैं आप सबसे। हो गया, मैं सोच रही थी उसकी वीडियो बना लेती, सो गया। हनी सो नहीं रहा, वो नाटक कर रहा है। ये रहा, क्या हो गया बच्चा? रूम पे देखो उसका कैप कैसे हो रही है। हनी हाथ हटाओ, मजा आ रहा है इसको पीछे। ये अंधेरा क्यों हो रहा है इतना? अंधेरा हो ही गया, बस ऊपर पहाड़ पे धूप रहेगी। चलो बाहर निकल देते हैं, अब लोग एंड कर देते हैं। इतना अंधेरा नहीं हुआ है भाई, वैसे शाम 5 बज चुके हैं। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अंजनी महादेव के दर्शन मंदिर के तो आपने भी कर ही लिए होंगे, काफ़ी अच्छा मंदिर था और ठंड बहुत हो गई है। तो आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक मिनट हनी, भाई हनी बोल रहा मेरे को तो दिखाओ, मेरे को तो दिखाओ, ये लो हनी को देखो, ये लो। अब चलो सबको बाय बोलो। बाय। कैप ठीक करो अपनी। हनी का भैया सही बेड बना हुआ, ओए ये क्या हो गया? चलो सबको बाय बोलो, अगले ब्लॉग में मिलते हैं ना। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? चाय बना दो, यहाँ पे आके भी मेरा चाय का पीछा नहीं छूटेगा है ना। जिस दिन साहिब हुई चाय मैं ही बना रही, क्योंकि बाहर अच्छी नहीं बन रही। इसको क्रॉक्स बनाना, उतारना इसको गाड़ी से, तो अब इनको पीनी है चाय। तो मैं बना देती हूँ चाय, ये फ़ायदा है अपना सिलेंडर और वो गैस लेके आने का। छोटी मोटी चीज़ें हम उस दिन से अपना खुद ही कर रहे हैं। हनी के लिए एग बॉईल करना, मैगी होगी, चाय होगी। तो अब मैं दोबारा जाके चाय बना देती हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।